हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हॉरिजॉन मंत्र एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6। हमारा चैप्टर नंबर 6 और ये जो है सिटीजनशिप। ओके, तो सिटीजन काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट। सिटीजनशिप सिग्निफाइज रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। सिटीजनशिप का मतलब है नागरिकता। नागरिकता बताता है हमें रिलेशनशिप एक इंसान का और उसकी स्टेट का, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है। लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया हैज़ टू काइंड्स ऑफ पीपल। भारत में दो तरह के इंसान रहते हैं, एक होते हैं सिटीजन जो इंडिया के नागरिक हैं, और एक हैं एलियंस जो फॉरेनर्स हैं, जो जिनके पास किसी और कंट्री की या किसी और देश की सिटीजनशिप है। और जो सिटीजन्स हैं वो आपके ऑल द सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स को इंजॉय करते हैं, लाइक दे कैन वोट और भी बहुत से लॉज हैं जो वो इंजॉय करते हैं। और दूसरी तरफ आपका एलियंस जो हैं उनको कोई भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। और आपके जो एलियंस हैं वो भी दो टाइप के होते हैं आपके, एक फ्रेंडली एलियंस होते हैं, एक एनिमी एलियंस होते हैं। और जो आपके फ्रेंडली एलियंस वो एलियन वो फॉरनर्स होते हैं जो जिनके साथ इंडिया का एक कॉर्डियल रिलेशनशिप है, मतलब कि हमारे इंडिया के उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। और एनिमी एलियंस वो होते हैं जिनके साथ हमारी वॉर लाइक सिचुएशन रहती है हमेशा, जस्ट लाइक आपका पाकिस्तान। ओके, और जो आपके एनिमी एलियंस हैं दे इंजॉय लेसर राइट्स देन द फ्रेंडली एलियंस। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका आर्टिकल नंबर 22 है वहाँ पे है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये वाला राइट आपको जो हमारे एनिमी एलियंस हैं उनको नहीं मिलता है, उनके पास ये राइट नहीं होता है। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं टू वेल नोन बेसिक प्रिंसिपल्स मैं बता दूं फॉर द ग्रांट ऑफ सिटीजनशिप। दो वर्ड्स हैं आपके, एक को बोलते हैं जस सोली, एक को बोलते हैं जस सैंग्विनिस, और इसको यू सोली एंड यू सैंग्विनिस भी बोलते हैं लैटिन में। ठीक है, जो आपका जस सोली है इसका मतलब है कि सिटीजनशिप मिलेगी आपको ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कि आप उस जगह पे पैदा हुए हो उसके बेसिस पे आपको सिटीजनशिप मिलेगी। और जस सैंग्विनिस है आपकी रिकग्निशन टू द ब्लड टाइज, जैसे आपके एंसेस्टर्स आपके पेरेंट्स वहाँ के हैं तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। जो सिटीजनशिप है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पार्ट टू में 5 से लेकर 11 तक आपके सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए हुए हैं, और ये हमारे यूनियन लिस्ट में आता है। और जो पार्लियामेंट है ना उसके पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है, मतलब वो पार्लियामेंट आपका लॉज बना सकता है सिटीजनशिप पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि यूनियन लिस्ट में है तो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं हमारे इंडिया में सिटीजन्स जो होते हैं, जैसे एक होता है बाय बर्थ और एक होता है आपका बाय नेचुरलाइजेशन, जो आपके दोनों एलिजिबल हैं हमारे में। जैसे ऑफिस, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है, प्रेसिडेंट हमारे कंट्री में अगर कोई पर्सन का जन्म भारत में हुआ है या फिर वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसने हमारे इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की है तो वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए खड़ सकता है और वो प्रेसिडेंट बन सकता है। और जो आपका यूएसए है वहाँ पे क्या है, ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ और नेचुरलाइज जो सिटीजन है वो एलिजिबल नहीं है आपकी फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, अब और कुछ मैं आपको बता दूं, जो आपके राइट्स और प्रिविलेजेस हमारे अपने सिटीजन्स को मिलते हैं उनमें से मैं बता दूं आपको जो हम एलियंस को नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 आपको पता होगा वो हमारा रहता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट, ये राइट आपको एलियंस के लिए नहीं है। आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। आर्टिकल 19 आपका, जिसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, असेंबली, ओके, रेजिडेंस, मूवमेंट, प्रोफेशन, ये सारे आपके प्रोविजंस इसमें आर्टिकल 19 में है। ये आर्टिकल का राइट भी एलियंस के लिए नहीं है। और एक और आता है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो आपके आर्टिकल 29 एंड 30 में आता है, वो भी आपका एलियंस के लिए नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज है जो राइट टू वोट है, जैसे हमने यहाँ पे बात की पॉलिटिकल राइट्स हमारे जो एलियंस रहते हैं, जो फॉरेनर्स रहते हैं उनको नहीं अवेलेबल है, वो वोट नहीं कर सकते आपके लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, दे कांट वोट। एंड राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, और वो इलेक्शंस में खड़े भी नहीं हो सकते।
ठीक है, और पब्लिक ऑफिसेज जैसे आपके वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज, जो जो मेन मेन पोजीशंस है आपके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशंस हैं वो एक्वायर नहीं कर सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में के अकॉर्डिंग। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे आर्टिकल। मैंने आपको बताया 5 से लेकर 11 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप से डील करते हैं। तो हम फर्स्ट हमारा आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, मैं आपको दो चीज़ें बता देती हूँ। एक डेट है आपकी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट का मतलब है जब हमारा संविधान लागू किया गया था उसके अकॉर्डिंग हम सिटीजनशिप कैसे देते हैं, किन किन लोगों को देते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब कि वो इंसान जो इंडिया की टेरिटरी में रहता हो उसको सिटीजनशिप मिलेगी अकॉर्डिंग टू कमेंस जो 26 जनवरी 1950 से जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब उस डेट तक वो हमारे इंडिया में रहते थे, हमारी टेरिटरी में रहते थे और शुड हैव अ डोमिसाइल, और उनके पास एक डोमिसाइल होना चाहिए इंडिया का। ठीक है, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए और इनमें से एक कंडीशन वो कोई फुलफिल करता हो, जैसे वो या तो वो इंडिया में पैदा होना चाहिए या तो उसके कोई भी दोनों में से एक पेरेंट उसका इंडिया का होना चाहिए, और या तो वो इंडिया में 5 साल तक, सॉरी जैसे आपका 26 जनवरी 1950 को आपका हमारा संविधान लागू हुआ उससे 5 साल पहले तक वो इंडिया में रहा होना चाहिए तभी हम उसको सिटीजनशिप दे पाएंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। ओके, अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 में बोलते हैं वो लोग जो इंडिया जो माइग्रेट किए जो माइग्रेट हुए हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। ठीक है, जो पाकिस्तान से, आपको पता है जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो पार्टीशन भी हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, मोर देन 10 लाख लोग जो थे आपके वो माइग्रेट किए थे इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया माइग्रेट किए थे। ये आर्टिकल 6 और 7 जो है वो इन जो उस टाइम जो माइग्रेशन हुआ था उन वो प्रोविजंस हमारे आर्टिकल 6 और 7 में हैं। तो जो आर्टिकल 6 है वो डील करता है वो लोग जो माइग्रेट हुए थे पाकिस्तान से इंडिया में। ठीक है, इसके लिए दो डेट मेंशन है, सॉरी एक डेट मेंशन है यहाँ पे, ये है 19 जुलाई 1948। ये डेट हमने क्यों ली, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हमारे इंडिया में एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था। मतलब कि अगर जिस इंसान के पास ये परमिट है वो लोग इंडिया से पाकिस्तान जा सकते थे और पाकिस्तान वाले लोग इंडिया आ जा सकते थे। तो ये एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, अगर कोई पर्सन आपका 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया आया है, ठीक है, तो उसको इंडिया का, भारत का नागरिक माना जाएगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6। इफ अगर उसके पेरेंट्स या तो वो खुद या तो उसके पेरेंट्स या फिर कोई उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो कि पैदा हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब ब्रिटिश इंडिया का, जो उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, ठीक है, या तो ही हैड बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। ठीक है, और जब से वो माइग्रेट हुआ है वो इंडिया में ही रह रहा है। ठीक है, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ओके, अब आता है आफ्टर 19 जुलाई 1948। अब 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी आपके भारत के नागरिक माने जा सकते हैं अगर वो ये कंडीशंस फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये तो या तो बता दी, या तो वो खुद या तो पेरेंट्स या तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए अनडिवाइडेड इंडिया में, और या फिर ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर सेटलमेंट। जो परमिट मैंने आपको बताया था, इस डेट को परमिट आया था, परमिट लेने के बाद वो इंडिया आ चुका है वापस, पहले वो पाकिस्तान गया माइग्रेट होके और वो फिर इंडिया आ चुका है, तो उसको भी हम नागरिकता देंगे। ही हैड रिसाइडेड इन इंडिया आफ्टर री माइग्रेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स।
ठीक है, मतलब कि पहले वो पाकिस्तान गया, फिर वो इंडिया आ गया, और वो इंडिया में 6 महीने तक के लिए रहा, एटलीस्ट 6 महीने तक उसको इंडिया में रहना जरूरी है। और ही हैड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, या तो उसने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दी है किसी ऑफिसर को रजिस्ट्रेशन के लिए, और ही हैज़ बिन रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजन बाय सच ऑफिसर, और या तो उसको रजिस्टर कर दिया गया है एज अ इंडियन सिटीजन बाय सच ऑफिसर। ओके, अब आता है हमारा आर्टिकल 7। आर्टिकल जो 6 और 7 है, ये दोनों डील करता है आपके इंडिया और पाकिस्तान के माइग्रेशन से। जो आर्टिकल 7 है ये प्रोवाइड करता है, ये राइट्स ऑफ सिटीजनशिप देता है आपको किसको, सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। जैसे फॉर जो आपके लोग इंडिया से पहले पाकिस्तान गए और फिर वो लोग वापिस आ गए, ठीक है। अब क्या है, दोज हु हैज माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, जो लोग, ये यहाँ पे एक डेडलाइन डेट दी है इन्होंने, 1 मार्च 1947 को, आर नॉट सिटीजन्स, आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, मतलब कि, एक मिनट, अब इसमें क्या है, जो लोग आपके माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान को, कब इंडिया से पाकिस्तान को गए हैं आपके, 1 मार्च 1947 को, दे आर नॉट इंडियन सिटीजन्स, जो माइग्रेट हुए हैं और वो हमारे इंडिया के सिटीजन्स नहीं बन सकते हैं, ये प्रोविजन है। और दो जो माइग्रेट हुए हैं, हुए तो हैं, उसके बाद माइग्रेट हुए हैं, बट दे सब्सिक्वेंटली रिटर्न ऑन रीसेटलमेंट परमिट्स वर इंक्लूडेड विद द सिटीजनशिप नेट इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। ये वाली कंडीशन ऊपर वाली सेम है, इसमें ये चीज़ बोली गई है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान गए हैं और सब्सिक्वेंटली दे हैव रिटर्न टू इंडिया ऑन द रीसेटलमेंट परमिट्स, उनको हम भारत की नागरिकता दे सकते हैं अगर वो ये जो कंडीशंस हैं इसको फुलफिल करते हैं। सेम है, या तो वो खुद, या तो पेरेंट्स, या तो ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए होने चाहिए, या वो ये सेम है, ही हैड रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रिसेटलमेंट, ही हैड डिसाइडेड इन इंडिया आफ्टर रीमाइग्रेशन फॉर 6 मंथ्स, और या तो उन्होंने एप्लीकेशन दी है या फिर उनको रजिस्टर्ड कर लिया गया है एज अ इंडियन सिटीजन बाय सच ऑफिसर, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है, जो आपका आर्टिकल 7 है ना, वो एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है, मतलब जो आपका आर्टिकल 5 है और आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 में जिन लोगों को कवर किया गया है, अब जो जो लोग आपके माइग्रेट कर गए थे 1 मार्च 1947 को, उनको हमने यहाँ पे इंडियन सिटीजन नहीं कंसीडर किया हुआ है, इसी को बोलते हैं आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ आर्टिकल 7। ओके, फिर आता है हमारा आर्टिकल 8, प्रोवाइडेड राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये इस आर्टिकल में उन लोगों के लिए प्रोविजन्स हैं जो पीपल ऑफ इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के हैं, वो सब लोग जो इंडिया के बाहर रह रहे हों, एब्रॉड में रह रहे हों, एक्सेप्ट आपका पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमने ऊपर दिए गए आर्टिकल्स में प्रोविजन्स दिए हुए हैं, तो जितने भी जो भी लोग इंडिया के बाहर किसी और कंट्री में रह रहे हैं एक्सेप्ट पाकिस्तान, उनको इंडिया भारत की नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। और जिसके खुद, या तो वो खुद, या तो उसके पेरेंट्स, या तो ग्रैंड पेरेंट्स, वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, और जिसने अपने आप को रजिस्टर करवाया है अपने जिस भी कंट्री में वो रह रहा है, वहाँ के डिप्लोमेटिक जैसे एम्बेसीज रहते हैं उन्होंने उसमें उस इंसान ने अपने आप को एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ इंडियन सिटीजन रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। अब आता है हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में क्या बोलते हैं, इफ एनी पर्सन वॉलेंट्रली एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट विल नो लॉन्गर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर कोई इंसान किसी और कंट्री की वॉलेंट्रली, मतलब अपने आप अपनी इच्छा से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो वो इंडिया का नागरिक नहीं रहेगा, उसकी अपने आप ही जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर जाएगी। अब आर्टिकल 10 आता है, आर्टिकल 10 में क्या बोलते हैं, इट सेज दैट एवरी पर्सन हु इज, जो भारत का नागरिक है और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और जो अपने आप को कंसीडर करता है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो
इंडिया का सिटीजन, इंडिया का सिटीजन नागरिक रहेगा, कंटिन्यू ही कंटिन्यू वो इंडिया का सिटीजन रहेगा, और ही विल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी बाय द पार्लियामेंट. मतलब कि यहाँ पे पार्लियामेंट के पास जो पावर है सिटीजनशिप के लॉज बनाने की, ही विल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ, जो भी आपके लॉज पार्लियामेंट बनाएगी, ही विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ दैट मे बी मेड बाय द पार्लियामेंट. और आर्टिकल 11 बहुत सिंपल है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन और टर्मिनेशन. मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक्विजिशन और टर्मिनेशन को लेके प्रोविजंस और लॉज बना सकती है कोई भी मैटर को सिटीजनशिप के लेके, क्योंकि वो एक यूनियन लिस्ट में आता है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8 है, 8 तक, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7 और 8. ठीक है, ये जो आपके आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स जो हैं वो भारत किसी भी इंसान को नागरिकता देते हैं. जब आपका 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ था तब तक. अब क्या होगा, अब जब इन लोगों के जिनको नागरिकता 26 जनवरी 1950 के बेस पे मिली थी, तो उन लोगों के जो बच्चे होंगे उन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी. ठीक है, वो प्रोविजन्स हमारे आर्टिकल 11 में है. आर्टिकल 11 में है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉज बना सकती है कि क्या क्या हमें अमेंडमेंट्स करने चाहिए. और इसी चीज़ के लिए जो था आपका एक आपका अमेंडमेंट आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें कि एक्विजिशन और टर्मिनेशन के कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ चेंजेस किए गए. ठीक है, तो अब हम उनकी बात कर लेते हैं. अब आते हैं हमारे फर्स्ट एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स क्या हुए थे. जो आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, उसी के अंदर बताया गया था एक्विजिशन और लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप कैसे हो सकता है. एक्विजिशन आपको बता दूं, बर्थ बाय रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ब्रांड, BRAND. और लॉस कैसे होता है आपका, रेनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन. अब मैं पहले आपको लॉस समझा देती हूँ, क्योंकि लॉस बहुत सिंपल है. ठीक है, फर्स्ट है आपका रिनाउंसिएशन. अगर कोई इंसान अपना रिनाउंस कर दे अपनी खुद की इंडियन सिटीजनशिप, तो एक तो उसकी खुद की जो भारत की नागरिकता है वो खत्म होगी, और जो उसका माइनर चाइल्ड होगा उस इंसान का, उसकी भी खुद की इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी. और जब वो बच्चा 18 साल से ऊपर हो जाएगा, उसकी एज 18 साल हो जाएगी, तो वो अपनी सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकता है. ठीक है, और फिर आता है आपका टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में क्या है, अगर कोई पर्सन अपनी सिटीजनशिप वॉलेंटरली अब टर्मिनेट करता है और किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर करता है, तो जो उसकी जो इंडिया की नागरिकता है वो खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब लैप्स कर जाएगी. फिर आता है आपका डिप्राइवेशन. डिप्राइवेशन का मतलब है जो आपकी सिटीजनशिप है, जो आपकी नागरिकता है, वो टर्मिनेट कर दी जाएगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्यों टर्मिनेट कर दी जाएगी, अगर आपने भारत की नागरिकता बाय फ्रॉड एक्वायर की है तो हो जाएगा. अगर आपने भारत की नागरिकता, जो आपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिसलॉयलिटी शो की है, तब आपका आपकी जो नागरिकता है वो टर्मिनेट कर जाएगी. अगर आपने जब आपने इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर की थी और उसके विद जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था अपनी सिटीजनशिप का, उसके विद इन 5 ईयर अगर आपको जेल हो जाती है किसी और कंट्री में, और किसी और कंट्री में जेल हो जाती है, तो आपको अपनी आपकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर जाती है. ठीक है, और अगर आप किसी और कंट्री में 7 साल के लिए कॉन्टिन्यूसली रह रहे हो और इंडिया कभी भी बीच में नहीं आए, तो भी आपकी जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट कर दी जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये लॉस का है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होती है. अब हम बात करेंगे
हमारा एक्विजिशन कैसे होता है, और उसके साथ हम बात करेंगे कि हमारा जो अमेंडमेंट हुआ है, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है। आपको पता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंडर हमारा एक्विजिशन और लॉस के जो प्रोविजंस हैं वो दिए गए हैं, और उसके बाद हमारे जो अमेंडमेंट हुआ है उस एक्ट में वो कौन सा है। 1986 में हुआ था, 1992 में भी हुआ है, आपका 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। इम्पोर्टेंट आपके ये चार इम्पोर्टेंट हैं इसमें, ठीक है, ये चार, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे हमारी एक्विजिशन कैसे होता है। एक्विजिशन है, फर्स्ट है हमारा बाय बर्थ। बाय बर्थ कि जो इंसान भारत में पैदा हुआ हो उसको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके अंडर भी कुछ प्रोविजन है, ये हमारे सेक्शन 3 में आता है। कोई भी इंसान जो 26 जनवरी को या उसके बाद, बट बिफोर 1 जुलाई 1987 को पैदा हुआ है, वो इंसान इंडिया का सिटीजन होगा। एक्सेप्ट कोई कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी क्या है, ठीक है। ये जो आया था आपका, यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया हुआ है, 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई 1987 तक जो लोग पैदा हुए हैं वो ऑटोमेटिकली ही भारत के नागरिक होंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। अब नेक्स्ट क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जब ये एक टाइमलाइन दिया गया तो इससे क्या हुआ, इंडिया में जैसे कोई भी आपका इलीगल इमिग्रेंट है या पास की जो हमारी कंट्रीज थी, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से लोग आने लगे, तो क्या हुआ, उनके बच्चे अगर हमारे कंट्री में पैदा हुए तो वो लोग को ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता मिलने लगी। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक अमेंडमेंट आया आपका, मैंने आपको बताया अमेंडमेंट आया था 1986 का। उसमें क्या हुआ, उसमें एक टाइमलाइन इन्होंने बताया कि जो लोग पैदा हुए हैं आपके 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 तक, उन लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी अगर दोनों में से, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ कंट्री एट द टाइम ऑफ हिज और बर्थ, ठीक है। तो दोनों में से अगर कोई उनके पेरेंट अगर इंडिया भारत के नागरिक हैं तो उनको ऑटोमेटिक फिर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और स्पेसिफिकली यहाँ पे फादर का मेंशन किया कि फादर का इंडियन का इंडिया का नागरिक होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भी एक और फिर आपका, फिर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई कि यहाँ पे मेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, फादर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। और उसके बाद एक और आपका अमेंडमेंट आया था 2003 का, ठीक है, 2003 का। उसमें क्या हुआ कि बोला कि जो लोग आपके 3/12/2004 को या उसके बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी अगर उनके बोथ द पेरेंट्स आर इंडियंस, अगर उनके दोनों पेरेंट्स इंडियंस हैं और एट लीस्ट वन पेरेंट इज इन इंडियन, या तो दोनों हो या तो दोनों में से एक हो, चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, ठीक है। और जो दूसरा होगा वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। इस अमेंडमेंट के 2003 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें सबसे पहले इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन को ऐड किया गया। इलीगल माइग्रेंट्स वो लोग थे जो भारत की किसी और कंट्री से हमारे कंट्री में आए, और या तो उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, या तो जितना उनके पास वीज़ा था, जितना टाइमिंग के लिए वो आए थे इंडिया में उससे ज़्यादा वो रहने लग गए, या तो वो लोग जो बिना वीज़ा के आए हैं, बिना पासपोर्ट के आए हैं, उन लोगों को इलीगल माइग्रेंट के की डेफिनेशन दी गई। फिर आता है हमारा बाय रजिस्ट्रेशन, जो हमारा सेक्शन 5 है। रजिस्ट्रेशन में सॉरी 3 है, हम इसके बाद 4 करते हैं, हमारा सेक्शन 4। सॉरी सेक्शन 4 करेंगे हम, है ना। उसके बाद 3 के बाद सेक्शन 4, डिसेंट। डिसेंट का मतलब है अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, वो पर्सन जो इंडिया में 26 जनवरी, सेम वही फर्स्ट जो था आपका 26 जनवरी 1950 को पैदा हुआ बट 10 दिसंबर 1992 को के बीच, 26 जनवरी 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 को वो इंडिया का सिटीजन होगा अगर उसके फादर
फादर, सिर्फ फादर वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ. ये मैंने आपको सेम चीज बताई, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ फादर का होना बहुत ज़रूरी था भारत का नागरिक. तो यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन की बात उठने लगी कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि फादर की ही नागरिकता भारत की होनी चाहिए तब आपको नागरिकता मिलेगी. तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपका आपका 2003 का जो अमेंडमेंट आया था उसमें क्या बोला था कि दोनों में से इधर ऑफ हिज पेरेंट्स वॉज अ सिटीजन ऑफ बर्थ. आपकी डेट दे दी गई 10 दिसंबर 1992 के बाद से और 3 दिसंबर 2004 से पहले के बीच में, इन ये जो दो टाइमलाइन थी ये इनके बीच में जो भी इंसान भारत में पैदा हुआ होगा उसको भारत की नागरिकता मिलेगी अगर दोनों में से कोई भी उसका पेरेंट भारत भारत में पैदा हुआ हो. ठीक है, अ पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया और आफ्टर 3 दिसंबर 2004 हैज टू एक्वायर सिटीजनशिप, हिज पेरेंट्स हैव टू डिक्लेयर दैट. अब इसमें क्या बोल रहे हैं, कोई कोई इंसान जो भारत के बाहर अब्रॉड में या फॉरेन कंट्री में पैदा हुआ हो या तो 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुआ हो तो या तो उसके पेरेंट्स को ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो उनका माइनर बच्चा है 18 साल से कम उम्र का है उसके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट नहीं है. एंड हिज और हर बर्थ इज रजिस्टर्ड, और जो उसका बर्थ है उसका एक जब वो पैदा हुआ उसके विद इन 1 ईयर आपको उसका जो बर्थ है वो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी में, इंडियन कॉन्सुलेट में आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तभी उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है. अब आता है हमारा सेक्शन 5 हम कर लेते हैं बाय रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स, वो इंसान जो कि भारत के मूल का है, ठीक है, और जो इंडिया में 7 साल तक रह चुका है, एप्लीकेशन वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले वो इंडिया में 7 साल रह चुका है तो वो बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकता है. ठीक है, ठीक है, अब बोलते हैं कि अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, वो इंसान पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट है किसी और कंट्री में आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया. अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया जब हमारा भारत और पाकिस्तान हमारी कंट्री का डिवीजन नहीं हुआ था उस टाइम कोई अगर इंसान इंडिया से बाहर रह रहा था तो उसको भी हम भारत की नागरिकता बाय रजिस्ट्रेशन, ही कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, वो अप्लाई कर सकता है. अ पर्सन हु इज़ मैरिड टू एन इंडियन, वो इंसान जो किसी भारत के नागरिक से जिसने शादी की हो और जो भारत में आपके 7 साल के लिए रहा हो, बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन से पहले उसको 7 साल अपने कंप्लीट करने हैं इंडिया में तभी उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है. माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ, ठीक है, माइनर चिल्ड्रन वो मैंने ऊपर आपको बताया जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे उन लोगों के जो खुद सिटीजन हैं इंडिया के उनको भारत की नागरिकता 18 साल के बाद दे कैन रिज्यूम देयर सिटीजनशिप. अब आता है आपका सेक्शन 6. सेक्शन 6 क्या है, बाय नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपको एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन करेगी, वो तब आपको करेगी अगर आप इन में से कोई आपकी क्राइटेरिया कोई कंडीशन को फुलफिल करते हो. अब क्या है, वो एक ऐसे नॉट सब्जेक्ट ऑफ अ कंट्री वेयर इंडियंस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, वो ऐसी कंट्री में नहीं रह रहा हो जहां पे भारतीयों को उस कंट्री का सिटीजनशिप बनने से रोका जा बनने की मतलब इजाजत ना हो और वो भी बाय नेचुरलाइजेशन. ठीक है, या तो वो अपनी खुद रेनाउंस कर दे अपनी सिटीजनशिप जो किसी और कंट्री की अगर उसके पास है एप्लीकेशन, जैसे रजिस्टर करने से पहले रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने से पहले वो किसी और कंट्री की आपकी नागरिकता को त्याग दे तो भी उसको एक ग्रांट मिलता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन. ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन अ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट इंडिया थ्रू आउट दी, ठीक है, या तो वो इंडिया में रहा हो या तो वो गवर्नमेंट की सर्विस में काम करता हो, ठीक है, और जो आपका उसने जब उसने अपना एप्लीकेशन दिया हो उससे 12 महीने तक वो या तो वो इंडिया के किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हो या वो इंडिया में रहता हो या तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन वो फुलफिल कर सकता है.
ठीक है, अब आता है डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसमें कि जो आपका, जैसे कोई इंसान है वो जिसने एप्लीकेशन दी है, अपने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी है, तो वो 12 महीने 12 महीने तक तो उसको इंडिया में रहना ही है, बट उसके पहले भी उसको 14 साल तक, 14 साल जो उसके उससे पहले के 14 साल होंगे उसमें से भी उसको 11 महीने तक इंडिया में, सॉरी 11 साल तक उसको, एटलीस्ट 11 साल तक उसको इंडिया में रहना पड़ेगा या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज में काम करना पड़ेगा। ये दो क्राइटेरिया, या तो वो ये भी कर सकता है, वो इंडिया में रह रहा हो एटलीस्ट 11 साल के लिए, या तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विसेज में हो एटलीस्ट 11 साल के लिए, और 12 महीने तो उसको रहना ही पड़ेगा। ओके, या तो ही इज ऑफ अ गुड करेक्टर, उसका करेक्टर अच्छा हो, और या तो उसको कोई गुड नॉलेज हो, उसको जो हमारे 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उसकी उसको कोई नॉलेज हो तो भी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट कर सकती है आपका सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। अगर उसको सर्टिफिकेट दे दिया हो तो ही इंटेंड्स टू रिसाइड इन इंडिया, वो इंडिया में रहना चाहता हो, तब भी उसको हम ग्रांट कर सकते हैं सर्टिफिकेट। ओके, फिर आता है हमारा, और इन सब जितने भी कंडीशंस हैं इनको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वेव ऑफ कर सकती है अगर अगर वो कोई डिस्टिंग्विश सर्विस दे साइंस की फील्ड में, फिलॉसफी की फील्ड में, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस की फील्ड में, उसकी डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज अगर वो दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ये सारे क्राइटेरिया को वेव ऑफ करके ग्रांट कर सकती है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन। फिर उसके बाद आता है बाय एक्वायरिंग, यहाँ पर टेरिटरी होगा। ठीक है, अगर किसी टेरिटरी, फॉरेन टेरिटरी को अगर इंडिया अपनी कंट्री में मिला लेता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करती है कि उस कंट्री के उनमें से किन लोगों को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, ये डिसाइड करेगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा कि जो, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका पुडुचेरी था वो हमने 1962 में इनकॉर्पोरेट किया था अपने इंडियन टेरिटरी में, तो उसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किए थे उन लोगों को जो आपके भारत के नागरिक बन सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा पूरा एक्विजिशन, सारा आपका लॉस एंड एक्विजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। अब हम थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजंस कर लेते हैं एज टू सिटीजन ऑफ पर्सन कवर्ड बाय द असम अकॉर्ड क्या था। आपको पता होगा 1971 में, आपको पता है जो हमारा प्रेजेंट डे बांग्लादेश है वो पहले आपका ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में आपकी इंडिया और भारत और पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई थी वो बांग्लादेश के ईस्ट पाकिस्तान के लिए, तो उसमें क्या हुआ, इलीगल माइग्रेशन होना स्टार्ट हो गया था हमारा ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया में 1971 में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक 6 साल का असम मूवमेंट चला आपका 1979 से लेके 1985 तक। उसमें उन्होंने बोला कि इलीगल माइग्रेंट्स जो भी आ रहे हैं उनको डिपोर्ट करिए। फिर उसके बाद जो असम ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन था जिनको आसू बोलते हैं, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया और उन्होंने डिमांड किया कि अपडेट करिए हमारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को अपडेट करिए। ठीक है, तो और डिपोर्ट करिए उन इलीगल माइग्रेंट्स को जो असम में एंटर हुए 1951 के बाद। ये उन्होंने एक डेडलाइन दी 1951 के बाद जो भी हमारे असम में माइग्रेंट्स आए हैं उन लोगों को डिपोर्ट किया जाए। फिर क्या हुआ, जो असम का मूवमेंट था अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन और उसके तहत जो एक मूवमेंट जो एक अकॉर्ड साइन हुआ था राजीव गांधी गवर्नमेंट के बीच में और जो उस मूवमेंट के लीडर्स थे उनके बीच में एक असम अकॉर्ड साइन हुआ था 1985 में। ठीक है, उसमें उसके तहत क्या था, जो कट ऑफ डेट थी डिपोर्टेशन की वो तय की गई क्या, 25 मार्च 1971 को। सिंस द कट ऑफ डेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 5 और 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता है उसमें एक कट ऑफ डेट क्या थी हमारी, जुलाई 19, 1948 ये कट ऑफ डेट थी हमारी जो हमारे आर्टिकल 5 और 6 में भी मेंशन है।
में मेंशन थी, बट उसको डेट को चेंज करने के लिए ना, तो उसमें एक अमेंडमेंट करना पड़ा आपके जो सिटीजनशिप एक्ट था 1955, और उसने क्या किया, एक नया सेक्शन ऐड कर दिया, सेक्शन 6A इंट्रोड्यूस कर दिया गया। मतलब क्या था, 1985 में जैसे ही आपके मूवमेंट के लीडर्स और राजीव गांधी गवर्नमेंट के बीच में एक और साइन हुआ, और जो उन्होंने कट ऑफ डेट थी उन्होंने डिसाइड करी, कितना, 25 मार्च 1971 को डिसाइड किया। बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें तो 19 जुलाई 1949 था, और इसको इसको सेट करने के लिए एक अमेंडमेंट लाया गया, जिसको जो जो कि हमने अमेंड किया हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसके तहत हमने हमारा नया सेक्शन ऐड किया, 6A को ऐड किया। और सेक्शन ए में क्या था, इट लेड डाउन दैट ऑल द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु एंटर्ड असम बिफोर 1 जनवरी। अब इन्होंने क्या डेट डिसाइड की यहाँ पे, जो लोग इस असम में 1 जनवरी 1966 से पहले आए हैं और हैव बिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट विल बी डीम्ड, अब जो एक अब इन्होंने डिसाइड कर दिया आपकी 1 जनवरी 1966 को डिसाइड किया कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग इंडिया में सॉरी असम में आए हैं माइग्रेट करके, वो लोगों को हम इंडियन सिटीजन्स मानेंगे, ठीक है। और जो आपके 1 जनवरी 1966 से बाद में आए हैं, बट 25 मार्च 1971, मतलब 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग आए हैं उनको भी आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे, और वो जब उनके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे इंडिया में रहने के, तब उनको जाके उनकी और उनको पूरी पूरी प्रॉपर एक सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। और जो ये बीच का जो 10 साल का टाइम है, उनके पास जो राइट टू वोट नहीं होगा, और बट उनको एक इंडियन पासपोर्ट ज़रूर मिल जाएगा, ओके। तो एग्जामिन वेदर सेक्शन 6A इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड। अब क्या हुआ कि आपको पता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेट थी, वो कट ऑफ डेट थी, वो 1949 थी, और जो इन्होंने असम अकॉर्ड में करी वो थी आपकी 1971। तो अब ये काम था अब आपके कोर्ट का। कोर्ट ने क्या किया कि बोला कि जो सिक्स सेक्शन सिक्स से आपने ऐड किया है आपके अमेंडमेंट के, जो आपने अमेंड किया हमारा 1955 का एक्ट, उसको अमेंड किया, तो उसके तहत जो आपने सेक्शन 68 डाला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या वैलिड है, क्योंकि क्योंकि जो आपको मैंने बताया 1949 जो कॉन्स्टिट्यूशन में डेट प्रिस्क्राइब थी, और जो असम अकॉर्ड में 1971 की गई, उसके लिए एक 5 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठाया गया टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द सेक्शन 6A अंडर विच द करंट NRC हैज बीन प्रिपेयर्ड। अभी जो NRC का जो अब NRC जो का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का जो अभी रजिस्टर तैयार हो रहा है, वो इसी के इसी बेस पे तैयार किया जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्या होता है, ठीक है। जो NRC है 1951, ये एक रजिस्टर था जो कि 1951 में जो हमारा सेंसस हुआ था, पॉपुलेशन का जो सेंसस हुआ था उसके बेस पे प्रिपेयर किया गया था, ठीक है, जिसमें कि सारे जो आपके घर थे उनके होल्डिंग मेंबर नंबर थे, लोगों के नाम सब कुछ इसमें मेंशन किए गए थे, और इसको पब्लिश किया गया आपका। ये सिर्फ एक ही बार पब्लिश हुए 1951, उसके बाद एक भी बार पब्लिश नहीं किया गया था। तो NRC ऑफ 1951 एंड द इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971 आर टुगेदर। अब इन दोनों को क्या बोला गया, लिगेसी डाटा बोला गया, एंड द पर्सन एंड देयर डिसेंडेंट्स हुज नेम अपियर्ड इन दीज डॉक्यूमेंट्स। इसमें जो 1951 का जो आपका NRC का रजिस्टर था वो, और इलेक्टोरल रोल ऑफ जो इलेक्ट जिस 1971 में जिन लोगों ने वोट किए, ठीक है, उन लोगों को लिगेसी डाटा बोला गया, और जो लोग थे और उनके जो डिसेंडेंट्स थे, जो आगे को बच्चे थे, उनका नेम्स अपियर्ड इन दीज डॉक्यूमेंट्स आर सर्टिफाइड एज इंडियन सिटीजन्स। और जो लोग इसमें जो लोगों के नाम थे और जो उनके आगे को बच्चे हैं, उन लोगों को इंडियन सिटीजन्स माना जाएगा, ओके। अब क्या है आपका, अभी जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 आया है, उसमें क्या बोला गया कि परमिट मेंबर्स जितने भी आपके सिक्स कम्युनिटी के लोग हैं, एक्सेप्ट आपके मुस्लिम्स को छोड़ के, हिंदू सिख बुद्धिस्ट जैन्स पारसी एंड क्रिश्चियंस को छोड़ के, ठीक है, और तीन सिर्फ तीन कंट्रीज के नाम हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ठीक है,
टू कंटिन्यू टू लिव इन इंडिया इफ दे एंटर्ड इंडिया बिफोर. अब इन्होंने क्या हुआ, डेडलाइन इन्होंने 2014 कर दी, दिसंबर 2014 से पहले जो माइग्रेंट्स हैं इन तीन कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हमारे इंडिया आए हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी. ओके और जो आपका जो रिक्वायरमेंट थी सिटीजनशिप की, जो 11 साल थी पहले, 11 साल रहना पड़ता था, वो अब इन्होंने 6 साल कर दिया है. और अब इनको जो पासपोर्ट एक्ट था और जो फॉरनर एक्ट था उनसे भी एग्जेम्पशन दे दिया गया. ठीक है, अब फिर उसी की वजह से आपके जो अभी जो आसाम में आपके बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए इस बिल के लिए, क्योंकि उन्होंने जो बांग्लादेशी, इट में ग्रांट सिटीजनशिप टू दे, क्योंकि मुस्लिम्स को तो आने दे नहीं रहे हैं हमारी कंट्री में, तो इससे क्या होगा, जो बांग्लादेशी हिंदू हैं, इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की. ठीक है, और जो जस्टिफिकेशन दी गई इस चीज़ के लिए कि ये थी कि हिंदू और जो बुद्धिस्ट हैं, दे आर माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश. ठीक है, एंड दे फ्लेड टू इंडिया टू अवॉइड रिलीजियस, उनका परसिक्यूशन हो रहा है, उनके धर्म के आधार पे उनके साथ उनको परसिक्यूट किया जा रहा था वहाँ पे. ये एक जस्टिफिकेशन दिया इस बिल के लिए. और जो मुस्लिम्स हैं वो मेजॉरिटी हैं इन कंट्रीज में, बांग्लादेश में, आपका पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में मुस्लिम्स मेजॉरिटी हैं, और बाकी सारी कम्युनिटीज़ वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, तो इसलिए इन लोगों को परमिट किया गया है कि वो भारत आ सकते हैं और भारत की नागरिकता ले सकते हैं. एंड सो सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट देम. ओके, अब क्या है, अब मैं आपको बता दूं NRI क्या होते हैं, PIO क्या होते हैं, OCI कार्ड होल्डर क्या होते हैं. NRI वो लोग हैं जो कि भारत के बाहर रहते हैं और जिनके पास क्या है, इंडियन का पासपोर्ट है. ठीक है, और उन्हीं केस में जो आपके जो इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जिसके जो एंसेस्टर इंडिया में एंसेस्टर्स इंडिया के थे, या तो एंसेस्टर्स में भी ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स जो इंडिया ओरिजिन के थे, उन लोगों को हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोलते हैं. और जो जिनके पास अभी किसी और कंट्री का नेशनैलिटी और पासपोर्ट है, जैसे आपके NRI है, उनके पास इंडियन पासपोर्ट रहता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के पास आपका इंडियन ओरिजिन के पास आपका ये किसी और कंट्री का पासपोर्ट होता है, इंडियन पासपोर्ट नहीं होता है. ठीक है, और उनको रजिस्टर करवाना पड़ता, अगर वो जैसे वो वीज़ा लेके अगर इंडिया कभी आएंगे, तो अगर वो 180 दिन से ज़्यादा अगर इंडिया में रहेंगे, तो उनको वहाँ की लोकल पुलिस अथॉरिटी में रजिस्टर करवाना पड़ता है कि हम यहाँ पे 180 दिन से ज़्यादा रहने वाले हैं. ठीक है, और यहाँ पे और NRI में कुछ नहीं है, वो कितने भी टाइम के लिए इंडिया आ सकते हैं, विदाउट वीज़ा इंडिया आ सकते हैं, वो एक तरह से भारत के ही नागरिक होते हैं NRIs. ठीक है, अब OCI कार्ड होल्डर क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955. ठीक है, और इनके पास मल्टीपल एंट्री होती है, लाइफ लॉन्ग वीज़ा होता है फॉर विजिटिंग इंडिया किसी भी काम के लिए, एक्सेप्ट रिसर्च वर्क के लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है, बाकी किसी भी काम के लिए वो इंडिया आ सकते हैं, ट्रैवल, वर्क. ठीक है, बाकी उनको वीज़ा लेने की जरूरत, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट रिसर्च वर्क के लिए. और उनको एग्जेम्पशन भी दिया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, वो कितने भी टाइम तक इंडिया रह सकते हैं अगर उनके पास OCI कार्ड होल्डर है. ये हो गया हमारा आज का चैप्टर सिटीजनशिप, जो काफ़ी लेंदी था और काफ़ी कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट था. आशा करती हूँ आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. थैंक यू सो मच.